जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में 5G नेटवर्क कब लॉन्च होगा। तो दोस्तों, आपको सीधे तरीके से बता देते हैं कि भारत में 5G नेटवर्क का ट्रायल चालू हो चुका है। हाल ही में रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल ने क्रम से मुंबई और गुड़गांव में अपना ट्रायल चालू किया था, जिसमें दोस्तों इसके अलावा उम्मीद है कि वोडाफोन ने भी अपना ट्रायल जल्दी शुरू कर देगा और MTNL जैसी अन्य कंपनियां 5G नेटवर्क का परीक्षण शुरू कर देगी। हालांकि अभी स्पेक्ट्रम नीलामी का कोई भी जानकारी सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो दूर संचार विभाग यानी डॉट इंडिया में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को अगले साल तक कर सकता है। इस बीच एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि इंडिया में कब और कौन 5G की शुरुआत करेगा। आइए जानते हैं दोस्तों, नए रिपोर्ट में कुछ सामने आया है जो कि कुछ इस प्रकार से है। तो दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार मैं आपको बता दूं कि इंडिया में कब शुरू होगा 5G नेटवर्क। तो दोस्तों, भारतीयों को अगले साल ही 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलने की संभावना है। एक नई रिपोर्ट्स के मुताबिक PM नरेंद्र मोदी भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 5G नेटवर्क लॉन्च कर सकते हैं, ऐसा दोस्तों एक न्यूज वेबसाइट में बताया गया है। दोस्तों, द हिंदुस्तान बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के एक सरकारी अधिकारी के हवाले में बताया गया है कि 5G नेटवर्क अगले साल के अगस्त के आसपास शुरू होगा और PM मोदी इसे 15 अगस्त को लॉन्च कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, एक और रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें रिलायंस जियो एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा था कि देश में 5G की शुरुआत रिलायंस जियो ही करेगा। रिलायंस जियो ने अत्यधिक स्टैंडअलोन 5G तकनीक को विकसित करने के लिए जबरदस्त बढ़त हासिल की है, जो वायरलेस हैंडसेट के लिए बड़ी ऊंची छलांग है। इसके अलावा अंबानी ने बताया कि मुंबई में जियो द्वारा किए गए 5G ट्रायल के दौरान जियो ने सफलतापूर्वक 1 GBPS से अधिक की स्पीड पाई है। जियो के मेड इन इंडिया सॉल्यूशन के मुकेश अंबानी विश्व स्तर पर बताया गया। और इसी प्रकार से दोस्तों, एयरटेल और टाटा ग्रुप ने हाल ही में घोषणा करते हुए बताया कि दोनों कंपनियां साथ मिलकर भारत के लिए 5G नेटवर्क सॉल्यूशन देश में ही विकसित करेंगी, जिसका मतलब ये है कि भारत में एयरटेल मेड इन इंडिया 5G टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही है। और दोस्तों, आपको बता दें कि एयरटेल अपने नेटवर्क को 5G नेटवर्क को एकदम देसी तरीके से रखना चाहती है। तो दोस्तों, आपको पता लग ही गया होगा कि अभी एक ही दो कंपनियां हैं जो अभी 5G के लिए ज़्यादा जागरूक हैं, जो अभी टेस्टिंग पे ध्यान दे रही हैं। बाकी दोस्तों, अभी बहुत सारी MTNL कंपनियां जो हैं वो अभी बहुत पीछे हैं 5G टेस्टिंग के मामले में। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में 5G लॉन्च कब हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Caught in the crossfire.